इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिश क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं, यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहां असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहां आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीम श्लीम क्लीम मे मरम बम मम हम सम तम बम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छुविम छुविम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रावि द्रावे नमोरते भगवती श्रीमते ओम ह्रीम करम मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पचे पचे ओम नमो अरहम झम झीम छुविम हम सम झम बम हयासा छम छीम छुम छे छे छौ छम छा छिबीम ओम नवृदे भगवते श्रीमते श्रीमदांतिनाजी कुंतनाजे रनाजी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्यतेजोमुते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादशगण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी स्वपिताय अष्टादश दोष रहिताय सुचुतवाणी गुणसयुक्ताय परमेष्ठ पवित्राय सम्यज्ञानाय सुमवे सिद्धाय बुद्धियाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहिताय अनंत संसाचक मनोवृतनाय अनंत ज्ञानदर्शन विश्वास्पदाय त्रिलोक वसनकराय सत्य ज्ञानाय सत्यमयमणि बृहत्पड़ा मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्विसंगुप्त सर्ग विनाशनाय गाधिकरम छेनकराय अजनाय अभय अस्माकम शांतिधारा कर्ता परिवारस्य प्रमोद जी संगई प्रिंस जी सचिन जी सुधा जी रक्षा जी परिजी संभव जी संगई परिवार जड़ुवखेरा सापरिवरस मंगल भवतो भवनलाल जी स्वास्थ्यवर्धम भवनलाल जी महेन जी अंकुर जी मनीष जी अंशुल जी रमीन जी अभिषेक जी ठक नैनवा वाले कोटा निवासी सापरिवर समंगल भवत हो मिठाई लाल जी नीलेश जी रानू जी राजू जी कटनी वाला परिवार सापरिवर समंगल भवत हो ऋषभ जी स्वास्थ्यवर्धम प्रदीप जी संकुल दंतला जी रीनू जी भोपाल परिवार सापरिवर समंगल भवत हो राम राय जी पाली वाला परिवार सापरिवर समंगल भवत हो श्रीमती सुधा जी भोपाल सापरिवर समंगल भवत हो विजय जी पुनीत जी भोपाल सापरिवर समंगल भवत हो अनिल जी इंदौर सापरिवर समंगल भवत हो समस्त भवजीवनम व्याधिम घनंतो आई वल्ली विलासम सकल सफलगत्वा सुलंपम धीरम भीरम शरीरम निरूपम मनोत्तनोक्षकेतम सिद्धिम विद्धिम समृद्धिम प्रेक्षक्तु तरने स्पर्धोच्चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि विततिजक्मामुत्तमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतेन्द्र सामन्तपोदनानां देशाष्टिराष्ट्रस्फुरशिरज्ञ करोतु शांतिम भगवजिनेन्द्र हरि हरि जय प्रेसम हे गुणदेशम अयामिते सम प्रेसम ओम ह्रीम देवदेवी महानसकारी शांति नजनेन्द्राय विश्व शांति की भावना भाते हुए नर्गपत प्राप्त अर्घम नर्भपामिति स्वाहा। नसै जी जहाँ जहाँ व्यापार करते थे वहाँ वहाँ मंदिर बना देते थे। पाणसै जी को जब यहाँ पर स्वप्न आया तब स्वप्न में उन्होंने इस स्थान को देखा और उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया, जिसमें उन्होंने पांच भगवान विराजमान किए। पांचों खड़गासन में साधिना जी, कुंथना जी, अरहना जी, नैमिना जी, चंदापुरु भगवान। पाणासह जी तो मंदिर बना गए और अपना उन्होंने कल्याण कर लिया। अब इस मंदिर की रक्षा कौन करेगा? एक ऐसा युग आया जिस युग में हमारे भगवानों का कहीं हाथ अलग कर दिया, कहीं पैर अलग कर दिए गए, कहीं हमारे मूर्तियों की गर्दन को अलग कर दिया गया, ऐसा हमारी प्रतिमाओं के साथ किया गया। ऐसा युग आया जहाँ पर हमारे भगवानों को जमीनों में आतताई शक्तियों से, बुरी शक्तियों से भगवानों को छुपाना पड़ा। यहाँ पर भी वह शक्तियाँ आईं भगवान को नष्ट करने के लिए। जब भी वह भगवान के पास भगवान को नष्ट करने पहुँचे,
उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया और जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं भगवानों के चरणों से अनेकों अनेकों काले कलर की बिच्छू निकले और उन बिच्छुओं ने जो भगवान को खंडित करने आए थे वे बिच्छुओं ने भगवान को छूने भी नहीं दिया और ऐसे यहाँ के साधिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ भगवान नैमिनाथ चंदाप्रभु भगवान को अतिशयों के साथ आज हम यहाँ पर सुरक्षित पा रहे हैं। अनेकों अतिशय हैं जो इस यहाँ की भूमि पर हुए हैं। यहाँ के शांतिनाथ भवन का ऐसा चमत्कार, यहाँ के शांतिनाथ भवन का ऐसा प्रभाव रहा कि जय कुमार जी जो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, विद्यार्थी अवस्था में थे, उनको वैराग दिलाया वो यहाँ के शांतिनाथ भवन ने वैराग दिलाया। आज हम देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव सुदत्त संगय महाराज जी इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, इतनी साधनाएं कर रहे हैं, इनकी इतनी तपस्या कर रहे हैं, अनेकों तीर्थ बना रहे हैं, अनेकों हॉस्पिटल स्कूल बना रहे हैं, अनेकों जिनके द्वारा सामाजिक कार्य हो रहे हैं। 1000 साल पहले आचार्य मागनंदी महाराज ने शांति धारा दी थी लेकिन भाई शांति धारा विलुप्त हो चुकी थी। आज शांति धारा जन जन तक पहुंच रही है। आज पूरे भारत देश के मंदिरों में अगर शांति धारा हो रही है तो पूज्य गुरुदेव निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री सुदत्त संगय जी महाराज की देन है, जिन्होंने 25-30 साल से लगातार शांति धारा की महिमा बताई और अनेकों चमत्कार श्रावकों के जीवन में हुए। शांति धारा के माध्यम से आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में शांति धारा, जहाँ जहाँ भी जैन मंदिर हैं वहाँ पर भी शांति धारा डेली हो रही है। और हमारा तो कहना है जिस शांतिनाथ भगवान ने जिस ईश्वरवारा क्षेत्र ने ऐसे मुनिराज को दिया है एक बार आभार में आकर ऐसे शांतिनाथ भवन की शांति धारा करें और आभार माने शांतिनाथ भवन का कि हे भगवान आपने एक ऐसे मुनिराज को दिया आज पूरे देश में जिनकी वाणी के माध्यम से, जिनकी तपस्या के माध्यम से, जिनकी साधना के माध्यम से जन जन का कल्याण हो रहा है। हम भी आपकी आभार में शांति धारा करने आए हैं क्योंकि आप ना होते तो पूज्य गुरुदेव को बैराग नहीं आता, आपने ही पूज्य गुरुदेव को बैराग दिलाया है और ऐसे एक महान मुनिराज को दिया है जो एक पूरे विश्व में जैन धर्म का डंका बजा रहे हैं, जिन संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, जिन आयतनों की रक्षा कर रहे हैं, प्राणी मात का कल्याण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास सागर में हो रहा है, भागोदय तीर्थ पर हो रहा है। हमारा तो पूरी भारत देश की जैन समाज से कहना है कि जो भी जयोदय तीर्थ से तीसों बार आना चाहते हैं 24 घंटे वहाँ पर वाहन उपलब्ध हैं, निःशुल्क वाहन व्यवस्था जयोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी ईश्वरवारा ने की है। जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं सागर से ईश्वरवारा की दूरी भागोदय तीर्थ पर जहाँ पूज्य गुरुदेव निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगो श्री सुदत्त संगय महाराज जी के चातुर्मास हो रहा है, वहाँ से यहाँ की दूरी 25 किलोमीटर है, सिर्फ 30 मिनट लगते हैं यहाँ तक आने के लिए। जो भी आना चाहते हैं रात्रि में यहीं पर रुकें, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, 20 कमरे एसी कमरे हैं, आप यहां पर रुककर सुबह जल्दी शांति धारा कर प्रवचन के समय तक पहुंच सकते हैं। यहां पर आप अभिषेक करिए, शांति धारा करिए और अगर यहीं पर भोजन की भी व्यवस्था है, जो भी भोजन करना चाहते हैं लेकिन जो प्रवचन में पहुंचना चाहते हैं तो आप प्रवचन के समय तक भी पहुंच सकते हैं, भागोदय पहुंच सकते हैं, पूज्य गुरुदेव का प्रवचन का भी लाभ ले सकते हैं और यहाँ पर शांति धारा का भी लाभ ले सकते हैं। एक बार ऐसे भगवान की कुंथनाथ हरेनाथ भवन की शांति धारा करें जिन्होंने जय कुमार जी ने अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था में जिन भगवान का 18-19 साल तक अभिषेक किया, शांति धारा की, एक बार उन भगवान की एक बार शांति धारा का, जिन जिन ने अभी तक इनकी शांति धारा नहीं की है एक बार जरूर लाभ लें क्योंकि देखो यह वही भगवान है, यह वही ईश्वरवारा है जिस ईश्वरवारा ने, जिन भगवान ने पूज्य गुरुदेव सुदत्त संगय महाराज जी को दिया है। आज हम पूरी दुनिया में उनके उपक्रम देख रहे हैं, उनके सामाजिक धार्मिक कार्य देख रहे हैं, आज कितना उपकार उनके द्वारा हो रहा है। इसलिए हमारा सभी से कहना है सागर से निःशुल्क वाहन की व्यवस्था है, जब भी आप आएँ ईश्वरवारा जरूर आएँ, यहाँ के भगवान की शांति धारा करें, अभिषेक करें। बोले देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।